हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूं यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लार्ड सुलेवन एंड शील्ड की मेगा अपडेट के बारे में। दोस्तों, मेरे पास बहुत बढ़िया एक्सप्लोसिव न्यूज है जो सुनकर आप एकदम शॉक हो जाएंगे। क्या द शील्ड नहीं टूटने वाली है और क्या लार्ड सुलेवन बनेंगे WWE चैंपियन, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। और उससे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज के बारे में कहना चाहता हूँ। ये उसी के बारे में है जो 1 मिलियन सब्सक्राइबर के बहुत करीब है, वही बचकान यूट्यूबर। उसका और एक किस्सा सामने आया है। दोस्तों, इस बंदे ने मेरे बहुत सारे वीडियोस कॉपी किए हैं पहले, इंक्लूडिंग थंबनेल्स टू, बट मुझे लगा कि अब शायद ऐसा ना होगा, पर अनफॉर्चुनेटली मैं गलत था। हमने यस्टरडे एक वीडियो डाली थी रिगार्डिंग रोमन रेंस एंड विंस मैकमैन बैकस्टेज इंसिडेंट, तो फिर उसने अलॉन्ग विद थंबनेल एंड कंटेंट सारा कुछ कॉपी कर दिया मेरा। लास्ट एक हफ्ते में उसने एक और वीडियो हमारा कॉपी किया है और वो है ये वाला वीडियो। ये न्यूज़ दोस्तों सभी ने डाली है, पर सबका थंबनेल अलग है, बट इस बंदे ने सेम टू सेम हमारा ही कॉन्सेप्ट कॉपी किया है। तो दोस्तों, देखा आपने, ये बचकान नियरली 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद हमारा कॉपी कर रहा है, और दोस्तों उसमें इतनी चर्बी है कि वो हमें थैंक यू नहीं बोलता क्योंकि हमारा वो कंटेंट कॉपी कर रहा है और थंबनेल्स भी, बट वो हम पर ही फालतू के इल्ज़ाम लगाता है। एक तो 1 मिलियन वाले चैनल ने रोमन रेंस के हाथ में चाकू ही दे दिया था, उस पर ये बचकान चैनल ने कुछ नहीं बोला। अगर इतना ही है तो उस पर भी एक स्पेशली वीडियो निकाल जैसे हमारे ऊपर निकाला था। तो मैं उसको इतना ही कहना चाहता हूँ कि बेटा अब भी टाइम है, सुधर जा और कॉपी करना बंद कर दे, अदरवाइज मैं तेरी फिर से ठोकूंगा और तेरी औकात दिखाऊंगा मेरे सब्सक्राइबर्स के सामने। और दोस्तों, मेरे अभी 400K सब्सक्राइबर्स होने आए हैं, जिसके लिए मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। पर दोस्तों, मैं उस बंदे की तरह लालची नहीं हूँ जो सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स के लिए ही भागे। हम रेसलिंग बादशाह क्वालिटी पर फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी। यही डिफरेंस है बिटवीन रेसलिंग बादशाह एंड अदर्स। एनीवेज, चलिए अब बात करते हैं लार्ड सुलेवन के बारे में। दोस्तों, लार्ड सुलेवन ने अपना डेब्यू किया रॉ आफ्टर रेसलमेनिया में, और तब से उन्होंने अटैक किया है सेवरल डिफरेंट सुपरस्टार्स पर। विंस मैकमैन श्योरली बिग थिंग्स प्लान कर रहे हैं लार्ड सुलेवन के लिए इन द नियर फ्यूचर। और दोस्तों, यहाँ पर बिग थिंग्स का मतलब हो सकता है WWE चैंपियनशिप। एक फैन ने लार्ड सुलेवन के इंस्टाग्राम पोस्ट पर पूछा कि वो कब WWE चैंपियन बनेंगे। उस पर लार्ड्स ने रिप्लाई किया कि 18 मंथ्स के अंदर WWE चैंपियन बनना मेरा गोल है। तो फिर दोस्तों, अगर लार्ड सुलेवन की बुकिंग ऐसे ही चलती रही तो फिर हमें वो श्योरली जल्द ही WWE चैंपियन बनते दिखाई देंगे। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं शील्ड के बारे में। दोस्तों, आने वाले मंडे मॉर्निंग को शील्ड की लास्ट मैच होने वाली है लाइव ऑन WWE नेटवर्क, एंड उनकी मैच प्रोबेबली होने वाली है अगेंस्ट ड्रू मैकइंटायर, बॉबी लैशली एंड बैरन कॉर्बिन। प्लस दोस्तों, रूमर्स आ रहे हैं कि फिन बैलर अपना इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे अगेंस्ट इलायस। दोस्तों, यहाँ पर सेथ रॉलिंस ने एक लिटिल ट्विस्ट डाला है शील्ड के स्टोरी में। डीन एम्ब्रोस का मंडे को लास्ट मैच होगा WWE से, उस पर सेथ रॉलिंस ने ट्वीट किया कि मैं एक और बार मेरे ब्रदर्स के साथ मैच लड़ूंगा, और हाँ, मुझे पता है कि हमारे बहुत ज़्यादा लास्ट मोमेंट रहे हैं, बट मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये एंड होगा अभी के लिए। तो दोस्तों, इसे हम कह सकते हैं कि सेथ रॉलिंस कम्प्लीटली डोर क्लोज नहीं कर रहे हैं फॉर अ फ्यूचर शील्ड रियूनियन। तो फिर दोस्तों, देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होता है फ्यूचर द शील्ड का। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में दो चीज़ों के बारे में बताइए। फर्स्ट, क्या आप लार्ड सुलेवन को WWE चैंपियन बनता हुआ देखना चाहेंगे, और सेकंड, आप कितने एक्साइटेड हैं फॉर शील्ड्स लास्ट मैच। सो गाइस, प्लीज 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 लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।